ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी आप परेशान चल रहे हैं, आपकी परेशानी शायद कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। आपकी जो परेशानी है उसका समाधान आपको यहाँ से मिल सकता है। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि इन्हें कैसे पता, या इस वीडियो में बताई गई बातों से कैसे हमारी समस्या का समाधान होगा। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को जब अंत होगा तब आपकी जो समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहली बात हो गई कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सोच रहे हो अपनी परेशानी को लेकर, वो परेशानी उतनी बड़ी है नहीं। क्योंकि जितना आप अपनी परेशानी को अपने दिमाग में बड़ी बनाने की कोशिश करोगे, वो उतनी बड़ी होगी, और वो जितनी बड़ी होगी आप उतना डिप्रेशन, तनाव और उतना ज़्यादा नेगेटिव फील करेंगे। शायद आपको रात को नींद ना आए, या अभी रात चल रही होगी तो नींद आने में कई सारी तकलीफें हो रही होगी। मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, वीडियो आपने यहाँ तक सुना, आपको अच्छा लग रहा होगा, चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर जिस भी परेशानी में आप गुजर रहे हैं और आप अगर मेरी मदद चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं, उसका फीस लागू है। आपकी समस्या का समाधान जरूर एक सकारात्मक रवैये में मिलेगा, जो मेरी ओर से मैं पूरी कोशिश करूँगा। पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दूसरी बात है कि जो परेशानी आपकी चल रही है, उस परेशानी में आप खुद को और उलझा सकते हैं। आप जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, तो ओवर थिंकिंग करना अभी इसी वक्त बंद कर दो। अब आप कहेंगे कैसे बंद करें, हम ओवर थिंकिंग बंद करने का क्या तरीका है? सबसे सरल तरीका है अपने मंत्र जप करना शुरू करें। अब मंत्र जप में आपका मन नहीं लग रहा हो तो दूसरा तरीका है कि खुद को बिज़ी रख लें। अब आप कहेंगे खुद को बिज़ी भी नहीं रख पाएंगे तो क्या करें? अगर खुद को बिज़ी अगर आप नहीं रख पा रहे हैं और उसके बाद भी आप बेचैनी या तमाम चीज़ें आपके साथ हो रही है, तो आप जिस विषय को लेकर परेशान हो रहे हैं उसके बारे में अध्ययन करें। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इन 5 सवालों का जवाब आप खुद अपनी परेशानी में ढूंढें। उसके लिए जो भी आपके पास डाटा वो पढ़ें, साहित्य वो पढ़ें, या उसके जो भी एक्सपर्ट हों जो उस पर राय देते, वो चीज़ों को आप खुद सेल्फ ऑब्जर्वेशन करें। दोस्तों ये सबसे अच्छा तरीका है, ताकि आप परेशानी के साथ भी रहेंगे और परेशानी का हल भी निकलेगा। और अगर उस परेशानी का हल आपको मिलेगा तो आप बहुत सी चीज़ों में बाहर आ पाएंगे। अगली बात है कि परेशानी कभी भी स्थिर नहीं होती, स्थायी नहीं होती, वो कुछ समय के लिए होती है, फिर अच्छा समय शुरू हो जाता है। इसलिए ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा ले कि ये बहुत कम समय के लिए और हम इससे बाहर आ जाएंगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अपने मन की शक्ति का उपयोग करें। अपने मन में अपनी परेशानी का समाधान समझ लो, मेरी परेशानी का समाधान हो ही चुका है, और उस तरह का व्यवहार खुद के साथ करो कि बिल्कुल हल उसका हो ही चुका है और ईश्वर मेरी परेशानी का समाधान जल्द से जल्द करेंगे, तो ज़रूर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा पूरी सकारात्मकता के साथ। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओम नमः शिवाय।